जय हिंद, जय शिक्षक। साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी आजकल कक्षा शिक्षण के साथ साथ ई पाठशाला प्रोग्राम भी चला रहे हैं, और ई पाठशाला प्रोग्राम के अंतर्गत हम हर शनिवार को क्विज भी भेजते हैं, उसका लिंक भेजते हैं, और कक्षा शिक्षण के दौरान भी क्विज करवाते हैं। लेकिन अब आज एक नया आदेश आ गया है जिसमें कहा गया है कि अब अगले 2 सप्ताह की क्विज का लिंक भेज दिया जाएगा, लेकिन कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को क्विज नहीं कराना है। केवल जो भी ऑनलाइन ग्रुप में जुड़े हुए हैं, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, केवल वही लोग वो क्विज अटेंड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पूरा आदेश, क्या उन्होंने कहा है, क्या प्रस्ताव आया है आज सामने। अगले 2 सप्ताह 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के लिए ग्रेड वार क्विज के लिंक, साप्ताहिक क्विज के लिए नए दिशा निर्देश। बेसिक शिक्षा विभाग 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के लिए। प्रेरणा की ई पाठशाला पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन स्कूल दोबारा खुलने के बाद ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों का फोकस कक्षा शिक्षण पर केंद्रित रहे। इसे ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक क्विज के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रत्येक सप्ताह क्विज जारी करने के बजाय अब इसे हर वैकल्पिक सप्ताह में जारी किया जाएगा। दूसरा, शिक्षक क्विज के लिंक को व्हाट्सएप पर उन अभिभावकों के साथ साझा करें जिनके पास स्मार्टफोन है, ताकि छात्र अपने घर पर क्विज को पूरा कर सकें और स्कूल के समय केवल कक्षा शिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। कृपया सुनिश्चित करें कि कक्षा का समय ऑनलाइन क्विज के आयोजन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तीसरा है, यह भी सुनिश्चित करें कि क्विज लिंक अधिक से अधिक अभिभावकों के साथ साझा की जाए जिनके पास स्मार्टफोन है, ताकि अधिक से अधिक छात्र क्विज का लाभ उठा सकें। अगले 2 सप्ताह के लिए, यानी कि 9 से 22 अक्टूबर के लिए ग्रेड वार क्विज निम्नलिखित है, जो कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ग्रेड 1 और 2 के लिए अलग है, ग्रेड 3 टू 5 के लिए, ग्रेड 1 एंड 2 के लिए अलग है, ग्रेड 3 एंड 5 के लिए अलग है, और ग्रेड 6 टू 8 के लिए भी अलग क्विज का लिंक है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दे दूंगी। इसके बाद अगला क्विज 23 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, यानी कि अभी निश्चित हो चुका है कि कक्षा शिक्षण के दौरान हमें बच्चों को क्विज नहीं कराना है, जो केवल ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिनके अभिभावक केवल वही बच्चे वो क्विज को अटेंड करेंगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।